नमस्कार दोस्तों, पूरे देश में भगवान भोलेनाथ से संबंधित मंदिर मौजूद हैं। इन मंदिरों में मुख्य रूप से स्थापित शिवलिंगों की पूजा अर्चना की जाती है। कुछ स्थानों पर ऐसे रहस्यमयी व चमत्कारिक शिवलिंग स्थापित हैं जो आज भी श्रद्धालुओं के लिए रहस्य बने हुए हैं। कहीं पर अद्भुत शिवलिंग खंडित होने के बाद रहस्यमय ढंग से अपने आप जुड़ जाता है, तो कहीं पर स्थापित शिवलिंग दिन में कई बार अपना रंग बदलता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे अद्भुत शिवलिंग के बारे में बताने जा रहे हैं जो दिन में दो बार यानी एक बार सुबह और एक बार शाम को भक्तों की आंखों से ओझल हो जाता है। इस स्थान को स्तंभेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। यह अद्भुत मंदिर गुजरात के वडोदरा से 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जंबूसर तहसील के गांव कावी कंबोई में स्थित है। इस अद्भुत मंदिर का उल्लेख शिवपुराण में भी मिलता है। शिवपुराण के रुद्र संहिता भाग 2 अध्याय 11 में स्तंभेश्वर महादेव का उल्लेख किया गया है। कहा जाता है कि इस मंदिर की खोज लगभग 150 साल पहले हुई थी। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग की ऊंचाई 4 फीट और व्यास तकरीबन 2 फीट का है। यह अद्भुत शिवलिंग अरब सागर के किनारे पर स्थित है। दिन में दो बार क्यों गायब होता है यह शिवलिंग? यह मंदिर समुद्र के किनारे पर स्थापित है। इस शिवलिंग के आंखों से ओझल होने का कारण समुद्र में आने वाला ज्वारभाटा है। ज्वारभाटा उठने के साथ यह शिवलिंग समुद्र में पानी में समा जाता है और ज्वारभाटा उतरते ही श्रद्धालु शिवलिंग के दर्शन करते हैं। इस स्थान पर आने वाले श्रद्धालुओं को पर्चे बांटे जाते हैं। इन पर्चों पर ज्वारभाटा आने का समय लिखा होता है। यह पर्चे बांटने का मुख्य कारण दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी से बचाना है। ज्वारभाटा आने के कारण मंदिर में पूरी तरह से जल भराव हो जाता है। इस दौरान किसी को भी मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। भगवान कार्तिकेय से जुड़ा है मंदिर का इतिहास। पौराणिक मान्यता के अनुसार राक्षस ताड़कासुर ने कठोर तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। इसके बाद भगवान शिव ने ताड़कासुर को दर्शन दिए। तब ताड़कासुर ने भगवान शिव से वरदान मांगा कि उसे केवल भगवान शिव का पुत्र ही मार सकेगा, वह भी मात्र 6 दिन की उम्र का। भगवान शिव ने ताड़कासुर को यह वरदान दे दिया। वरदान पाते ही उस राक्षस ने देवताओं और ऋषियों मुनियों को आतंकित करते हुए हाहाकार मचा दिया। ताड़कासुर के अत्याचारों से तंग आकर देवता भगवान शिव के पास पहुंचे तो श्वेत पर्वत के कुंड से उत्पन्न हुए भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने केवल 6 दिन की उम्र में ही ताड़कासुर का वध कर दिया। वध के बाद यह पता चलने पर कि ताड़कासुर भगवान शिव का परम भक्त था तो भगवान कार्तिकेय काफ़ी दुखी हुए। उनको इस दुख से उभारने के लिए भगवान विष्णु ने भगवान कार्तिकेय को ताड़कासुर के वध वाले स्थान पर शिवालय बनाने को कहा। बाद में देवताओं ने मिलकर महीसागर संगम पर विश्व नंदक स्तंभ की स्थापना की। इस स्थापित स्तंभ में भगवान शिव स्वयं विराजमान हुए। खास बात यह है कि स्थान पर महीसागर नदी का सागर के साथ संगम होता है। इसी स्थान को आज स्तंभेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु समुद्र द्वारा स्तंभेश्वर महादेव के जलाभिषेक का अद्भुत और प्रभावशाली दृश्य देखने के लिए आते हैं। स्तंभेश्वर महादेव पर प्रत्येक अमावस्या और महाशिवरात्रि को मेला लगता है। साथ ही प्रदोष एकादशी और पूर्णिमा को पूरी रात स्थान पर पूजा अर्चना होती है। सो दोस्तों, यह थी स्तंभेश्वर महादेव से जुड़ी जानकारी।
हर दिन नए और बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए चैनल D5 हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह के बेहतरीन आर्टिकल्स पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें। जुड़े रहें चैनल D5 हिंदी के साथ।